इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज बनाना सीखेंगे। कटोरी ब्लाउज के लिए यहाँ पर गोल गले का ब्लाउज है। कटोरी में थ्री पीस होते हैं, सामने तीन पीस होते हैं, ये कटोरी पार्ट, ये वेस्ट बेल्ट पार्ट और ये आर्म होल पार्ट, और छोटी स्लीव के साथ हमने ये ब्लाउज बनाया है। कटोरी कट ब्लाउज बनाने के लिए हमें जिन नापों की जरूरत पड़ेगी वह है ब्लाउज की लंबाई, बस्ट का साइज, वेस्ट अराउंड शोल्डर विड्थ, स्लीव बाँह की लंबाई और स्लीव बॉटम बाँह की नीचे का घेरा। इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिसको हम फॉलो करके इस तरह से ड्राफ्ट पेपर के ऊपर पहले बनाएंगे। यह ब्लाउज के आगे का भाग है। आगे के भाग के लिए 07 ब्लाउज की लंबाई में 2 इंच जोड़कर निशान लगा दें। 022 ब्लाउज की पूरी चौड़ाई है जिसमें छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच आराम के लिए और 1 इंच सीने के लिए निशान लगा लें, जोड़कर निशान लगा लें। 1 से 3 बराबर है 0 से 2 के। 0, 1, 3 और 2 को मिलाकर एक चौकोर बना लें। 0 से 4 बगल की लंबाई के लिए छाती के नाप के चौथे भाग में 2 इंच घटाकर निशान लगा लें। ब्लाउज के लिए बगल की लंबाई कभी भी 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं होगी, चाहे छाती का नाप कोई भी हो। 0 से 5 कंधे के नाप का आधा में 1/4 इंच जोड़कर निशान लगा लें। 5 से 6 नीचे की तरफ 1/2 इंच का निशान लगा लें। 0 से 7 छाती के नाप के में के 12वें भाग में 1/2 इंच से 1 इंच का निशान लेकर 0 to 7 गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा लें। 6 और 7 को मिला लें। 0 से 8 आगे के गले की लंबाई है, 6 से 6.5 इंच का निशान लगा लें। 4 से 9 बराबर है 0 से 2 के। 1 से 10 के लिए कमर के नाप के चौथे भाग में 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगा लें। यहाँ पर फिटिंग के लिए हमें कंफर्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। 1 से 11 कमर के बेल्ट की लंबाई के लिए छाती के नाप के चौथे भाग में 1/2 इंच जोड़कर निशान लगा लें। 10 से 12 जितना 1 से 11 है उससे 1 इंच कम करके 10 और 12 का निशान लगा लें। 1 से 11 अगर 3 है तो 10 से 12 2 इंच होगा। 11 से 12 को मिलाकर निशान लगा लें। 0 से 13 का निशान बस्ट डार्ट के लिए है, छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगा लें। 13 से 14 का निशान 1/4 का निशान है। 11 से 15 बराबर है 13 से 14 के, 14 और 15 को मिला दें। अब डार्ट के लिए दोनों डार्ट को 1-1 इंच सेंटर पॉइंट से दूर करेंगे। 14-16 और 14-17 1-1 इंच का निशान है। 13 से 18 और 13 से 19 दोनों तरफ 1/2 इंच का निशान लगाएं और 16-18 और 16-19 को मिलाकर डार्ट का निशान बनाएं। 15 से 20 और 15 से 21 दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान है। 17 से 20 और 17 से 21 को जोड़कर वेस्ट डार्ट का निशान बनाएं। अब गले का आकार बनाने के लिए 7 और 8 को मिलाने वाला बिंदु 22 है। 23 8 और 22 के बीच का निशान है। 24 7 और 22 के बीच का निशान है। 8 23 24 और 7 पर गोलाकार बनाकर आगे के गले का आकार बनाएं। आगे के बगल का आकार बनाने के लिए 5 6 और 25 एक सीधी लाइन है। 26 5 और 25 के बीच का निशान है। 26 और 27 के बीच 1/2 इंच का निशान है। 6 27 और 9 पर आगे के बगल का आकार बनाएं। कटोरी शेप के लिए 12 से 28 1.5 इंच का निशान लगाएं, 25 से 29 2 इंच का निशान लगाएं और 22 से 30 ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगाएं। 28, 29 और 30 को जोड़कर इस तरह से कटोरी का आकार बनाएं। शेप। अब हम इस पेपर पैटर्न को इस तरह से काटेंगे। 8, 23, 24, 7, 6, 27, 9, 12 और 10 पर
इसके बाद बेल्ट को हम 11 और 12 पर काट कर अलग करेंगे और कटोरी और आर्म होल पीस को हम 28, 29, 30 पर काट कर अलग करेंगे। ये पेपर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो तरीका लिखा हुआ है, वो इस तरह से दिया हुआ है। कटोरी पीस को हम दोबारा से रख कर दूसरे पेपर पर रीड्रॉ करेंगे और नया आकार बनाएंगे। कटोरी पार्ट को कट कर लेने के बाद ये 15x16 और 15x17 जो 2 इंच हमारा डार्ट में चला जाएगा कपड़ा, इसको पूरा करने के लिए इस पीस को दूसरे पेपर पर रख कर आउटलाइन ड्रॉ कर लें और आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के बाद 18 से ए तक 2 इंच बढ़ा दें और इसके बाद ए से 20 को शेप के साथ जोड़ें। जोड़ने के बाद ए से भी ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएं और इसको 17 के साथ शेप के साथ मैच करें, शेप के साथ। इसके बाद इसको कट कर लें और ये आपका कटोरी का फाइनल पीस होगा। अब फाइनल पीस कटोरा को कट करेंगे 17, B, 19 और 20 पर। इस तरह से पूरे नियम को फॉलो करते हुए इस तरह से पेपर पैटर्न बना लें। किस किस पॉइंट्स पर हमको काटना है पेपर पैटर्न, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कटोरी कट ब्लाउज के लिए पीछे के भाग के लिए इस तरह से हम ड्राफ्टिंग ड्रॉ करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखा हुआ है। पेपर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 0 से 1 ब्लाउज के लंबाई में 1/2 इंच जोड़कर निशान लगा लेंगे। 0 से 2 ब्लाउज की कुल पीछे के भाग की कुल चौड़ाई है। छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच आराम के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगा दें। 1 से 3 बराबर है 0 से 2 के। 0, 1, 3 और 2 को मिलाकर एक चौकोर ब्लॉक बना लें। 0 से 4 बगल की पीछे के भाग के बगल की लंबाई के लिए छाती के नाप के चौथे भाग में 2 इंच घटाकर निशान लगा लें। यह निशान कभी भी 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे बस साइज कोई भी हो। 0 से 5 कंधे के नाप के आधे भाग में 1/4 इंच जोड़कर निशान लगा लें। 5 से 6 नीचे की तरफ 1/2 इंच का निशान लगाएं कंधे के आकार के लिए। 0 से 7 छाती के नाप के 12वें भाग में 0.5 से 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा लें गले की चौड़ाई के लिए। 0 से 8 पीछे के गले की लंबाई के लिए है। ये गले की लंबाई अपने पसंद के अनुसार लगाया जा सकता है। 6 से 7 को मिला दें। 4 से 9 बराबर है 0 से 2 के। 1 से 10 कमर के नाप के 1/4 भाग में 1.5 इंच डार्ट के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगा लें। 1 से 11 1 से 11 डार्ट के लिए 1.25 का निशान लगा लें। 11 से 12 डार्ट की लंबाई के लिए ब्लाउज की कुल लंबाई का 1/3 भाग लेकर निशान लगा लें। अगर ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है तो 5 इंच का निशान लगाएंगे। 11 से 13 और 11 से 14 दोनों तरफ 1/4 इंच का निशान लगा दें और 12 से 13 और 12 से 14 को जोड़कर डार्ट का निशान बनाएं। पीछे के गले का आकार बनाने के लिए 15, 7 और 8 को मिलाने वाला बिंदु है। 16, 8 और 15 के बीच का बिंदु है। 17, 7 और 15 के बीच का बिंदु है। 8, 16 और 17 पर गोल आकार बनाकर पीछे के गले का आकार बनाएं। पीछे के बगल का आकार बनाने के लिए 5, 6 और 18 एक सीधी लाइन है। 19, 5 और 18 के बीच का बिंदु है। 19 और 9 पर इस तरह से कर्व का गोल आकार बनाकर पीछे के बगल का आकार बनाएं। 9 और 10 को मिला लें। पीछे के भाग को 8, 16, 17, 7, 6, 19, 9, 10 पर काटें। ये ड्राफ्टिंग दी हुई है, इस ड्राफ्टिंग को फॉलो करते हुए पीछे के पेपर पैटर्न को बनाएं। बांह के लिए इस तरह से पेपर पैटर्न ड्राफ्टिंग बनाएंगे। 0 से 1 ब्लाउज के बांह की लंबाई है। लंबाई में 1.5 इंच जोड़कर नीचे के फोल्ड और तुरपाई करने के लिए जोड़कर निशान लगा लें। 0 से 2 छाती के नाप का 1/4 भाग बांह की चौड़ाई के लिए है। 1 से 3 बराबर है 0 से 2 को। 0, 1, 3 और 2 को मिलाकर
एक ब्लॉक बना लें। अब हम कुछ पॉइंट्स आर्म होल शेप बनाने के लिए लगाएंगे। 4 0 से 2 के बीच का बिंदु है, 5 0 से 4 के बीच का बिंदु है, 5 से 6 अंदर की तरफ चौथा इंच का निशान लगाएं, 4 से 7 अंदर की तरफ आधे इंच का और 7 से 8 सवा इंच का निशान अंदर की तरफ आर्म होल शेप बनाने के लिए लगाएं। 2 से 9 बराबर है 2 से 4 के, ये नाप मीडियम लेंथ स्लीव के लिए है। 7 इंच तक की लंबाई अगर बाकी है तो 7 या 7 से ज़्यादा के लिए 2 से 9 बराबर है 2 से 4 के। अगर बाँह की लंबाई शॉर्ट है, छोटी है, तो उसके लिए 9 का निशान 2 से 3 के बीच का बिंदु होगा। 1 से 10 सवा इंच का निशान नीचे फोल्ड करके तुरपाई करने के लिए है। 10 से 11 का निशान ब्लाउज स्लीव के नीचे के घेरे का आधा में 1 इंच जोड़कर, सिलाई के लिए 1 इंच जोड़कर निशान लगा लें। 10 से 11 को मिला दें और 1 से 12 बराबर है 10 से 11 के, 11 और 12 को भी मिला दें। 12 से 13 बाहर की तरफ आधे इंच का निशान लगाएं। अब 9, 11 और 13 को जोड़ दें। 22 शेप।